महाराजगंज की जनता की तरफ से, यहाँ के सम्मानित युवाओं की तरफ से, यहाँ की माताओं एवं बहनों की तरफ से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री का फिर द्वारा स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपना सारा समय मुख्यमंत्री जी को देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक नारा लगा दीजिएगा, एक नारा लगा दीजिएगा कि कौन जीतेगा, महाराजगंज वाला कि गोरखपुर वाला? महाराजगंज वाला जीतेगा कि गोरखपुर वाला? गोरखपुर वालों को भगा देंगे ना इस बार, भगा देंगे ना इस बार? दोनों हाथ उठा के बोलिए, भगा देंगे ना इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन, भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम अखिलेश भैया जी को उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां होनी चाहिए। पीडीए का सर्वमान नेता, भारत का भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए एक बार और जोरदार तालियां नौजवानों। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधायक बीरेन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह जी, आप पार्टी के अध्यक्ष रामकुमार पटेल जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत जी, कैलाश प्रजापति जी, और यहां से लड़े चुनाव समाजवादी पार्टी के रहे प्रत्याशी सुशील कुमार टिबरीवाल जी, गणेश शंकर पांडे जी, श्रीमती तलत अजीज जी, श्रीमती पुष्पलता मंगल चेयरमैन नगरपालिका, श्री सादीन अली साहब, सैयद अरशद जी, हरेन कृष्ण त्रिपाठी जी, और बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आपके सभी हमारे पदाधिकारी जो मंच पर हैं। मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में जहां ये तपती हुई दोपहरी है, गर्मी है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पसीना ना निकल रहा हो। हम सब जितने लोग यहां खड़े हैं सब पसीना बहा रहे हैं, और मैं जानता हूं ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो पसीना बहाया जा रहा है वो इसीलिए बहाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली से सरकार में जो लोग हैं वो हटने जा रहे हैं। मैं एक एक चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं जहां देख रहा हूं पंडाल में तो लोग हैं ही हैं, लेकिन पंडाल के बाहर भी मैं देख रहा हूं दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दाएं हाथ पर हों और चाहे बाएं हाथ पर। जहां छिपाने के लिए और छिपने के लिए, इस दोपहरी से बचने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सर पे अपना गमछा रख करके भी आप लोग जो समर्थन दिखा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीरेन चौधरी जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। ये बड़ा इत्तफाक है, इस बार आज आखिरी दिन जब मैं महाराजगंज से मैं आया हूं, तो बड़ा इत्तफाक देखने को मिल रहा है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे और यहां जितने लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो जानते होंगे, इधर पता नहीं क्या हो गया है दिल्ली वालों को, जो हमारे प्रधान सांसद जी हैं वो आजकल न जाने क्यों मां के पीछे पड़े हुए हैं। जो मां शब्द है, जो हमारे दिल्ली वाले
प्रधान सांसद जी हैं, पता नहीं क्यों जो शब्द मां है उसके पीछे पड़े हुए हैं। और जब से उन्हें घबराहट हुई है, न केवल वो खुद डगमगाए हैं बल्कि उनकी जवान भी लड़खड़ाई है। और इधर जो सुनने को मिल रहा है कि जब उनकी ऊंचाई से जो गिरावट शुरू हुई है, जो वो गिरते जा रहे हैं, न जाने कहां जाकर के गिरेंगे, और जिनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, वो लोग क्या कहते थे इस चुनाव में, कभी मीट की बात की, कभी मच्छी की बात की, कभी मुजरे की बात की, और अब सुनने में आया कि महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। ये जितने शब्द इन्होंने बोले हैं ये सब एम से शुरू होते हैं, मां से शुरू होते हैं, लेकिन ये एम शब्द के पीछे तो पड़े हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं इस बार एम से महाराजगंज भी है, मां से महाराजगंज भी है। वो अगर उधर पीछे पड़े हैं तो महाराजगंज भी वाले भी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीछे पड़े हैं। जब तक जमानत जब्त नहीं होगी तब तक महाराजगंज के लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ सातवें चरण तक आते आते वो नारा अपना भूल गए कि नहीं भूल गए? और न केवल नारा भूल गए हैं,